आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या बीजेपी ने 4 साल 3 महीने की खेमेबाजी को एक ही बाजी में पलट कर रख दिया? क्या जो कहावत है कि एक तीर से 2 निशान साध दिए, बीजेपी ने एक ही फैसले से कई सियासी समीकरण साध दिए और एक ऐसा जातिगत सियासी समीकरणों को साधने वाला चक्र भी तैयार किया जिसके जरिए मुख्यमंत्री गहलोत की सियासत और योजनाओं के प्रभाव को कम किया जाए, क्योंकि ब्राह्मण समाज को साधने के लिए सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया तो घनश्याम तिवारी को राज्यसभा सदस्य बनाया गया, जाट समाज से सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष तो जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया। साथ ही मारवाड़ की सियासत को साधने के लिए कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री बना दिए, राजपूत समाज से राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष तो गजेंद्र शेखावत को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, वैश्य समाज से ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर तो गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया, मेघवाल समाज से अर्जुन मेघवाल को केंद्र में मंत्री तो आदिवासी समुदाय से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को राज्यसभा सांसद बनाया गया, ओबीसी माली के रूप में राजेंद्र गहलोत को राज्यसभा सदस्य बनाया गया। अगर गुर्जर और अल्पसंख्यक समाज को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर जाति से बीजेपी ने बड़े नेताओं को तैयार किया और उनको बराबर रखते हुए समीकरणों को साधा, तो क्या यही सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाएगी? आज बात इसी मुद्दे। के साथ विधानसभा में बोलते हैं तो इस के हकदार थे और उनको नेता। अगर ये बात आप करेंगे तो फिर तो सवाल ये भी उठेगा कि सतीश पूनिया जी को उपनेता प्रतिपक्ष को, उनका तो कोई लंबा अनुभव नहीं, उससे लंबे अनुभव के तो बहुत से नेता विधानसभा में। देखिए उपनेता प्रतिपक्ष, लेकिन इसमें कहीं सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे और उपनेता विधायकों की जिस प्रकार से बात हुई होगी, कहीं राय हुई होगी तो उनको उपनेता प्रतिपक्ष बनाया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के लिए एक लंबे अनुभव की और वो जरूरत थी उसके। लेकिन आपने कहा कि 36 कौमों को साथ लेकर चलते हैं, कोई भी एक अल्पसंख्यक चेहरा दिखाई क्यों नहीं देता केंद्र से लेकर राजस्थान तक? देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये नीति नहीं है कि किसी भी धर्म के लोगों का कोई तुष्टीकरण करे या कुछ करे। स्वाभाविक रूप से जो हमारे अगर कोई इस प्रकार का अल्पसंख्यक का नेता भी आगे आता है तो उसको स्थान मिलता है। गई सरकार में यूनुस खान मंत्री थे, गई सरकार में सर जी, और इस बार तो सरकार ही नहीं ना, कांग्रेस की सरकार, विधायक भी नहीं तो है अभी, विधायक नहीं है, हार गए, वो टिकट मिला था। लेकिन हमारे पास जो स्वाभाविक रूप से जिस पार्टी में जो नेता है, जिस जाति के नेता है, जिस धर्म के नेता है, उन सबको स्थान मिलता है
इसमें कहीं किसी प्रकार की वो नहीं होती, इसकी कार्य के आधार पर, अनुभव के आधार पर पार्टी टिकट देती है। ठीक है योगी जी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जिस तरीके की योजनाएं घर घर तक पहुंची है, क्या वाकई में बीजेपी उस चक्रव्यूह को तैयार कर रही है जिसमें हर एक बड़ा नेता हर एक समाज से हो और जो अपने समाज को प्रभावित करके जो प्रभावी योजनाओं का असर है उसको कम कर सके और मुकाबले में आए? देखिए सबसे बड़ी बात यही थी विजेंद्र की, सोशल इंजीनियरिंग। आखिर क्यों ब्राह्मण फेस को बीजेपी को लाना पड़ा? राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी या देश की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी के अंदर ब्राह्मणों का पुराना वजूद रहा है, वो वजूद डाउनफॉल पे आया और यही कारण रहा कि घनश्याम तिवाड़ी को भी सांसद बनाया और अब सीपी जोशी को प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष बनाएगा। क्योंकि सामने वाला जो दल है, आप उसकी सोशल इंजीनियरिंग देखिए ना, कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी वो ब्राह्मण है। हम राजस्थान सरकार के सीएस की बात करें, डीजीपी की बात करें, चाहे कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन की बात करें, हम आरपीएससी चेयरमैन की बात करें, वो ब्राह्मण है। शिक्षा मंत्री की बात करें वो ब्राह्मण है, जलदाय मंत्री की बात करें वो ब्राह्मण है। तो जब ब्राह्मणों का जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस में हुई तो वो एक बीजेपी के लिए चुनौती थी कि बीजेपी का एक परंपरागत वोट बैंक है, कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए, इसीलिए ब्राह्मण दायित्व दिया गया। आपने सतीश पुनिया के जरिए वो जाट वोट बैंक आ नहीं रहा था उस तरीके से जैसे आना चाहिए। एक चीज और, मैं गुजरों की बात करूं, गुजरों में अलका सिंह गुजर है, वो राष्ट्रीय पदाधिकारी है, गुजरों का प्रतिनिधित्व है भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात, भूपेंद्र यादव का जिक्र भी हम करेंगे, वो केंद्रीय मंत्री, वो भी राजस्थान से। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो एससी एसटी के गणित को साधने में आती है, किसान वोटों को साधने में आती है। भैरव सिंह शेखावत हुए, चाहे वसुंधरा राजे, भी इन्होंने ये कॉम्बिनेशन पैदा किया। वसुंधरा राजे बहुत बड़ी सोशल इंजीनियर रही, जातिगत सम्मेलन उनके राज में हुए और वो उन्होंने सबको जोड़ने का काम उस वक्त किया, बड़े बड़े लीडर्स को वो सामाजिक तौर पर स्थापित करने का काम उन्होंने किया। चाहे कांग्रेस से कर्नल सोनाराम को लाना पड़ा, चाहे सुभाष मेहरिया को कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के अंदर लेकर आना पड़ा, चाहे मीणा नेताओं को बीजेपी के अंदर लाना पड़ा, तो एक तरह से कहा जाए ये सोशल इंजीनियरिंग का ही नतीजा था। और आपको ध्यान होगा सबसे पहले आज़ादी के बाद बीजेपी के अंदर या जनसंघ के अंदर किसान नेताओं की बहुत ज़्यादा कमी थी और यही कारण था कि सबसे पहले गंगाराम चौधरी जो कि मारवाड़ के बड़े नेता, मालानी के बड़े नेता, उनको भैरव सिंह शेखावत लेकर आए बीजेपी में और उसके बाद से एक सिलसिला शुरू किया गया बीजेपी के अंदर जाट नेताओं को खड़ा करने। अच्छा, अभी जो वर्तमान स्थिति आपको दिखाई दे रही है वो बैलेंस से दिखाई दे रही है बीजेपी के हिसाब से? देखिए बैलेंस तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष को भी कई नेता नहीं पचा पा रहे हैं, अभी बहुत कुछ चीज़ें होनी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लेकिन मैं सोशल इंजीनियरिंग अशोक गहलोत की आपको बता रहा हूँ कि चार दलित कैबिनेट मिनिस्टर इस सरकार के अंदर, आप सोचिए चार दलित और चारों को ही कैबिनेट मंत्री बनाया गया, एक मैसेज देने का काम अशोक गहलोत ने किया। आप देखिए कि परसादी लाल मीणा, पहली बार कोई एसटी का व्यक्ति प्रदेश का चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री है, तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी सोशल इंजीनियरिंग, पूरी अशोक गहलोत की सोशल इंजीनियरिंग के सामने अब बीजेपी को कुछ तो अपना ऐसा आधार रखना होगा, नहीं तो यहाँ पर तो पूरी तरह सोशल इंजीनियरिंग का एक बड़ा खेल अशोक गहलोत कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर एक लकीर खींचने की जरूरत थी सीपी जोशी को लाके वो पार्टनर की। अब ये अलग बात है कि सतीश जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल, लेकिन मुझे लगता नहीं अभी मैं आपको बताऊं कि जो जाट कम्युनिटी है वो सतीश पुनिया के उपनेता बनने से मुझे लगता नहीं उस पर कोई विशेष प्रभाव पड़ा होगा या कोई उसमें कोई ऐसा कोई सकारात्मक संदेश गया होगा। ठीक है, एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं। एसपी मित्तल साहब, सतीश पुनिया के उपनेता प्रतिपक्ष बनने से जाट लोबी खुश नहीं, ये योगेश कह रहे हैं। मेरा सवाल यह कि आज एक और फोटो था ओम बिरला जी के कैबिन में, हनुमान बेनीवाल भी बगल में बैठे थे, तो क्या जो बगल में बैठे हैं वो साथ मिलकर चुनाव एक बार फिर से लड़ते हुए नजर आ सकते हैं और जो जाट नाराजगियां, जो जाट फैक्टर कांग्रेस की तरफ टिल्ट करता है उसको हनुमान बेनीवाल के जरिए राजस्थान में बीजेपी अपनी तरफ टिल्ट करती नजर आए? देखिए विजेंद्र, आपने फोटो को देख के जो राजनीतिक एनालिसिस किया राजस्थान की राजनीति का, वो वाकई बहुत अच्छा है। ये बात मैं भी सोच रहा था इस बात को लेके कि जो क्या नाम से राजेंद्र राठौड़ के साथ में यदि हनुमान बेनीवाल वहां मौजूद रहते हैं तो ये अपने आप में एक राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ी बात है। हमको हम सबको पता है कि हनुमान बेनीवाल ने पिछला चुनाव जो है वो नागौर से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वहां से चुनाव जीता है। लेकिन ये सोशल इंजीनियरिंग की जो बात है
अभी योगेश जी ने भी कहा, सोशल इंजीनियरिंग मेरा मानना है कि हर राजनीतिक दल करता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कोई भी पार्टी हो, वो ये सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। लेकिन मौजूदा समय में जो राजस्थान की स्थिति है वो यह कि पिछले कुछ दिनों तक ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरा नहीं है और मुख्यमंत्री के क्या नाम से 6-6-7-7 दावेदार हैं और वो पार्टी में क्या नाम से बड़ा भारी विरोध है और जो वसुंधरा राजे जी के लिए भूमियों के लिए कह रहा था कि बार बार वो शक्ति परीक्षण करती है। मुझे लगता है कि उन सब परिस्थितियों में फिलहाल क्या नाम से विराम लगाएं, चाहे सीपी जोशी की ताजपोशी हो या क्या नाम से राजेंद्र। अच्छा मित्तल साहब, अभी बताइए कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा? चेहरा तो है ही नहीं, ये तो पार्टी ने पहले भी कह दिया था विजेंद्र कि इस बार पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, जो चेहरा होगा कमल का फूल होगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर विरोध की जो बात कही जा रही थी वो इन दो नियुक्तियों से, सीपी जोशी की नियुक्ति से और राजेंद्र राठौड़ की नियुक्ति से, मुझे लगता है कहीं ना कहीं विराम लगा। अब जो बात आ रही है कि साहब जो प्रदेश अध्यक्ष थे सतीश पूनिया जी, उनको आपने एक उपनेता बना दिया, तो आप ये देखिए सतीश पूनिया जी वाकई प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष कब बनाया गया? जब वो जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के और वो पहली बार के विधायक है, आमेर से पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार के विधायक को यदि भाजपा विधायक दल का जिसके अंदर 77 एमएलए हैं उसका यदि उपनेता बनाया जाता है तो मुझे लगता है कि उनका राजनीतिक कद जो है वो काफी बड़ा है। और जिस और ये दोनों जो नियुक्तियां हुई हैं इसमें वसुंधरा राजे जी की इसमें सहमति रही है और जो उनका जो सकारात्मक रुख मुझे देखने को मिला है उससे फिलहाल ये लगता है कि विराम लग गया। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की ओर देखते हैं तो जो तालमेल अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच होना चाहिए, मुझे लगता है वो अभी तक भी नहीं हुआ। ठीक है, और इसका जवाब स्वर्णिम से ले लेते हैं। स्वर्णिम, कहा यह जा रहा है कि भाई बीजेपी तो एकजुट हो गई, अब वो कमल के निशान और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग करने में माहिर है, मुख्यमंत्री गहलोत माहिर है, लेकिन जो इंजीनियरिंग कांग्रेस के अंदर होनी है वो नहीं हो पा रही है, क्या वो होती नजर आएगी? देखिए विजेंद्र जी, मैंने सबको सुना, बड़ा ध्यानपूर्वक सुना आपका, मैं लोगों देख रहा हूँ, आपने 3 जो फोटो लगा रखी है सोशल इंजीनियर और आगे रिंग लिख रखा है आपने जी, तो ये रिंग ही है क्योंकि राजस्थान में जब चुनाव होने वाला है वो चुनाव होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो केंद्र सरकार की विफलताएं, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और ERCP का जो वादे खिलाफी राजस्थान से की और राजस्थान सरकार ने जो राहत जनता को दी अपनी लोक कल्याणकारी की योजनाओं पर, चुनाव तो इस पर होगा। अब दूसरी बात सुनिए, इन तीनों नेताओं को आप जिनका आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, इंजीनियरिंग आप दिखा रहे हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को लग रहा हो, लेकिन ये तीनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी के जो कहना चाहिए संगठन के सबसे विफल नेता हैं। सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने अभियान चलाया और मुर्दाबाद के नारे हम सब ने सुना, आपके चैनल पे भी सुने थे। नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, लगातार उपचुनावों में जब प्रभारी रहे अपने गृह जिले में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताना तो दूर, जमादन बचाने में भी असफल रहे। पिछली पंक्ति से प्रदेश अध्यक्ष आपने बनाए, ये वही प्रदेश अध्यक्ष सांसद होते हुए भी राजस्थान के लिए एक योजना नहीं ला पाए, ERCP जैसी महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना की पैरवी नहीं कर पाए। सुनिए आप बात को, कांग्रेस में तो सवाल ये है कि भाई जो जिताकर लाता है वो भी हाशिए पर चला जाता है, आप तो ये कह रहे हैं कि ये जीतकर हाशिए पर जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो सफल हो रहे हैं वो भी नहीं है। मैं तो आपको एक ही चीज कह रहा हूँ कि चुनाव किस मुद्दे पर होना है ये सबको पता है, अगर इस प्रदेश अध्यक्ष बनाने से, चेहरे बदल देने से चुनाव हो रहे होते तो बहुत सारे दल हैं, बहुत जगह पर बदल सकते हैं। लेकिन जो SP मित्तल साहब ने जिक्र किया कि भाई किसी भी तरीके से बीजेपी संदेश देने में सफल हो रही है कि अब बीजेपी एक है, सब एक साथ है और सब एक साथ दिखाई भी दिए, क्या कांग्रेस ये संदेश दे पाएगी? क्योंकि अब आपके ही नेता कहने लग गए हैं कि अगर ये सीखना है बीजेपी से तो सीख लेना चाहिए, समस्या क्या है इसमें? देखिए मैं तो आपको एक ही चीज कह रहा हूँ कि 15-20 दिन और रुक जाइए, पहले भी सब लोगों ने ये कहा था कमल के फूल पे मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और नेताओं ने जा करके जब सभाओं में बात की थी कि आप चेहरा बन के आ जाओ, दूसरे ने कहा कि ये उगता सूरज, सब चीजें आएंगी वापस, ये सब कोई दबी थोड़ा है, वो नेता भी कहीं नहीं गए, बीजेपी में ही है। लेकिन मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ कि चुनाव तो अब होगा मुद्दे पर, जो राजस्थान का विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत जो लाभ पहुँचाया, कोई चक्रव्यूह बना लो, क्या चक्रव्यूह बना करके बिजली के बिलों में जो राहत मिल रही है जनता को रोक सकते हैं? जनता रुक जाएगी क्या? 500 रुपए में सिलेंडर जो दे रहे हैं क्या वो रुक जाएगा? ये चक्रव्यूह क्या इसलिए तो ये तो इन योजनाओं को रोक सकता? अगर मैं 500 रुपए में सिलेंडर लेना चाहूं तो क्या मिलेगा? अगर आप BPL श्रेणी में उज्ज्वला में तो जरूर मिलेगा। हाँ, तो मतलब ये राइडर भी बताइए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी रोक सकती है। अच्छा, अगले महीने जो मेरे 100 यूनिट कट के आएंगी उसके साथ अलग से महीने का सरचार्ज जुड़ के आएगा, वो भी उसमें ऐड होगा?
सर 100 यूनिट का लाभ मिलना चाहिए या नहीं? 87% सुनिए, आपका तो मुझे नहीं पता कि कितनी बिजली काम में लेते हैं, लेकिन राजस्थान के 87% जो उपभोक्ता है, 87% उनका बिजली का बिल शून्य आएगा हर हर बात के बाद। कि अब योजनाओं, बिल्कुल योजनाओं के लाभ पर ही चुनाव होगा, और केंद्र सरकार की विफलताएं जो महंगाई के बोझ तले और अक्टूबर की बात हो गई, और अक्टूबर तक जाते जाते योजनाओं पर ना जाने कितने मुद्दे हावी हो जाते हैं, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई बार कर चुके हैं। तो धर्म के नाम पर चुनाव लड़वाते हैं और जीत भी जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा योगी जी, अभी जब गुलाबचंद कटारिया जी का विदाई समारोह हो रहा था, उन्होंने एक डिनर दिया था, उसमें राजेंद्र राठौड़ जी ने कुर्सी को मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए रिजर्व रखवाया था, सीपी जोशी जी थे, मुख्यमंत्री गहलोत थे। क्या वसुंधरा राजे की सहमति पूरे तरीके से होगी? और जो हमेशा ये कहा जाता है, जिसका स्वर्ण भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई वो अलग चलती हैं, अभी वो एक साथ होंगी और सब में सहमति होगी? देखिए, पहली बात तो ये कि सीपी जोशी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, इसकी खबर किसी को नहीं थी, इसकी खबर केवल इक्का दुक्का केंद्र के नेताओं को थी, राजस्थान के किसी भी नेता से कोई सहमति नहीं ली गई, और सीपी जोशी पैराशूटी लैंडिंग इनकी हुई सीधे तौर पर, आलाकमान की ये पसंद है, और सबको साधने के लिए एक सौम्य सरल स्वभाव के चेहरे को लाया गया। दूसरी बात, आपने भी हनुमान मेनीवाल का जिक्र किया, हनुमान मेनीवाल को किसान वोट, जाट वोट के इंटरेस्ट के मद्देनज़र भविष्य में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार में मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, इस तरह की चर्चाएं अब शुरू हो चुकी है, आज की तस्वीर से भी इस तरह की चर्चाओं को बल मिला है। और एक और बात कि ओम बिरला स्पीकर है, लेकिन ओम बिरला की रुचि राजस्थान की राजनीति में अब दिखने लग गई है, जिस तरह से सीपी जोशी अध्यक्ष बने, उसके बाद ओम बिरला के समर्थकों ने जिस तरह उनका स्वागत किया है, तो ये भी अब पिक्चर सामने आ रही है कि ओम बिरला पर्दे के पीछे राजनीतिक तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बेहद रुचि लेने लग गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, योजनाओं का जो स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा, यह पूरी तरह अशोक गहलोत जो केजरीवाल मॉडल है दिल्ली का, उस केजरीवाल मॉडल में भी यही है कि जातिवाद धर्मवाद से परे विकास के आधार पर चुनाव में जीत मिले। तो राजस्थान में भी अब करंट जो इस 1 तारीख से जो बिल शुरू हुआ है, अब 100 यूनिट के बाद जो बिल आएगा उसका कितना असर होगा, और जिस तरह इस बार अशोक गहलोत ने प्रचार और प्रसार पर जितना ध्यान दिया है, तो ये कहा जा सकता है, और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि अशोक गहलोत को दिल्ली से लगभग फ्री हैंड अब मिल चुका है, तो आगे की जो चुनावी तैयारी, 7 संभागों के दौरे प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व कर चुका है, ये अलग बात है कि एक भी संभाग की मीटिंग में सचिन पायलट मौजूद नहीं रहे, वो अजमेर संभाग की उस मीटिंग में भी नहीं गए जिस जहाँ से वो खुद विधायक आते हैं टोंक से, तो एक तरह से कहा जाए उनकी दूरियां बनी हुई है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस की लीडरशिप ने अब संभाग के दौरों से चुनावी शंखनाद कर दिया है, टेम्परेचर वो देख रहे हैं और विधायकों की परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं। मेरे पास वक्त की कमी है, मुकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा था, जो इन्होंने कहा है सौंडिम जी ने, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि चुनाव मुद्दों पर होगा, हम भी यही चाहते हैं कि चुनाव मुद्दों पर होगा, ये चुनाव राजस्थान का होगा और राजस्थान के जो चुनावी मुद्दे होंगे, बहुत सारी घटनाएं, मैं सिर्फ एक घटना का जिक्र करना चाह रहा हूँ कि अभी जयपुर में जो सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें कितनी जाने गई थी, कितने मासूम की जिंदगियां छीनी थी, कितने लोग उजड़े थे, उसकी एक लचर इनके कानून जो पैरवी जो इन्होंने की, उससे साफ नजर आता है कि किसकी मंशा में खोट है। आज प्रदेश की जनता इस बात को पूछेगी। देखिए, मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये लगा दिए भी बता दें, बम धमाके किसके शासन में हुए थे ये भी बता दें, लचर पुलिसिंग और लचर व्यवस्था के कारण आपकी सरकार के शासनकाल में हुए थे, और हमारी सरकार के शासनकाल में तो अरे पैरवी की थी, तभी तो मौत की सजा दी थी, मौत की सजा हुई थी इनको, और आगे होगी। क्या बात करते हो, हाईकोर्ट ने जिन सबूतों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, वो सबूत आपकी सरकार के दौरान, आपकी सरकार के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था तब इकट्ठे हुए थे, आपको जवाब दीजिए जनता को कि आपकी सरकार ने क्या किया था। ये हाईकोर्ट ने कहा है आपने पैरवी नहीं की, आपका हाईकोर्ट ने ये कहा इन्वेस्टिगेशन की, वो आपके सामने हुआ है। आपको मैं अगर फिर आप दोनों बातें कह रहे हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन सही हुआ था तो फिर नीचे फांसी की सजा कैसे हुई? आप ही हुई ना, हमने पैरवी की ना, आप बात को काट रहे हैं। 2019 में हुई ना सजा, फांसी की सजा हुई तो हाई कोर्ट में आप क्यों नहीं करवा पाए? एसपी मित्तल साहब, ठीक है सर, मुद्दे से भटक गए, वापस मुद्दे पर आता हूँ। एसपी मित्तल साहब, बीजेपी में अभी आपको अगले 2 महीने 1.5 महीने में कुछ और परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए विजेंद्र, आज जब
सीपी जोशी दौरे पे थे तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मुझे लगता है कि पूरी जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है वो उस पर टिकी हुई है। उन्होंने एक तो ये कहा कि आप मेरे जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएंगे, और उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि जो अब तक जो बैनरों पर क्या नाम से नेताओं के फोटो लगते थे, अब नेताओं के फोटो नहीं लगेंगे बल्कि जो मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको लिखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह से बिल्कुल साफ जाहिर है। सर मेरा सवाल ये था, दरअसल मैं सीधा पूछ लेता हूं कि कांग्रेस में सचिन पायलट और बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, क्या इनकी भूमिका पूरे तरीके से स्पष्ट होगी? कांग्रेस का सवाल है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब जिस तरीके से अभी सोनम चतुर्वेदी जी ने भी ये बात की है कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और जो गहलोत साहब की योजना है उन पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो आप देखिए इसका मतलब तो सचिन पायलट की भूमिका है वो इस पर समाप्त हो गई है। और जो संभाग स्तर पर योगेश जी ने भी कहा कि किसी भी संभाग स्तर पर सचिन पायलट के जो सम्मेलन हुए उसमें सचिन पायलट की उपस्थिति देखने को नहीं मिली। तो क्या ये चुनाव योगी जी आपको क्या लगता है, एक लाइन में जवाब दीजिए, दोनों की भूमिका अगले एक दो महीने में क्लियर होगी? बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बीजेपी में चुनाव कैंपेन कमेटी बननी है, कहा जा रहा है वसुंधरा राजे उसकी चेयरमैन बन सकती है। उधर कांग्रेस के अंदर भी अभी कई परिवर्तन होने की बात की जा रही है, मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होना तय था नवरात्रा के अंदर, लेकिन राहुल गांधी प्रकरण के कारण वो नहीं हो पाया। तो निश्चित तौर पर अभी कहा जा सकता है ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एसपी मित्तल साहब, आपका भी शुक्रिया। मुकेश जी और स्वर्णिम जी आपका भी शुक्रिया। सोशल इंजीनियरिंग यानी कि ये जो सोशल रिंग है ये सियासी तौर पर अगर बेहतरीन बनती है तो समाज को भी इसका फायदा होता है। नमस्कार।